वर्तमान में भी है, पीजी के छात्र हम अभी भी है। क्या लग रहा है, छात्र आक्रोशित दिख रहे हैं? देखिए, बिना छात्र के सरकार आती नहीं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे हेमंत सोरेन, सबकी सपना छात्रों ने पूरा किया, चाहे मुख्यमंत्री बनाने का, चाहे पीएम बनाने के लिए, रकम सभी ने ठका, नौकरी के नाम से, विस्थापन के नाम से, बेरोजगारी के नाम से। आज हमको कहना है कि झारखंड में इतना दर दर की बेरोजगारी क्यों? झारखंड मांग रहा है अपना न्याय। आज छात्र आक्रोशित है, पढ़ लिख के बेरोजगार है। आप जितना देख रहे हैं, सब हॉस्टल के छात्र, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र आज स्वच्छता से आए, मशाल जुलूस के रूप में आए, और उन्होंने साफ शब्दों में आह्वान किया दुकानदार साथियों से, बस एसोसिएशन के साथियों से, टेम्पो एसोसिएशन के साथियों से, कि आप लोग अपने भविष्य के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए आगे आए, कल ऑटो बंद कीजिए, बस बंद कीजिए, नहीं तो आपका बेटा भी ऑटो चलाएगा। आप चाह रहे हैं कि आप ऑटो चला रहे हैं तो आपका बेटा ऑटो चलाए? सभी ने बोला नहीं, मेरा बेटा नौकरी करना चाहे, इसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं, तब मेरा बेटा जाके स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, रायबरेली में पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो सपना को पूरा कर रहा है। देखिए, 60-40 खट्ठा भाषा हम समझाए तो की लागो, हमारे गाँव में यदि स्टील प्लांट है तो में 60 गो झारखंड के कहो और 40 गो बाहरी, मतलब अपर घर एक नौकरी टा हम बाहर के काल देव, हमार जमीन हमार रोजगार होना चाहिए। और 60 गो में भी 1985 के नीति लागी हो, मतलब 1985 में भी 40% बाहरी, मतलब 30% झारखंडी और 70% बाहरी, तो विरोध रहे। तो आज हमार घर नौकरी हो, हमार घर वीडियो बनते यदि 70 गो तो में 30 गो झारखंड के और 40 गो बाहर के, इटा हमने विरोध करबो। 7% नौकरी, 90% नौकरी झारखंड के दिए तो ना, तो एकर खातिर कुछ भी ऐसा कला छात्र देख ली कि किस तरह मसाल जुलूस के रूप में। हमारे एक के कहना कि झारखंड के बेटा से पढ़ लिख के आखिर जीते का, गुजरात जाए, बम्बई जाए, चेन्नई जाए तो देखिए हाल मार खा क्या वो, तो हमने सपना टा हो यहीं पढ़ना, यहीं रोजगार, यहीं नियोजन के हमने बड़ी मुश्किल से लोग विरोध कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा और आजसू के एजेंट ही है। देखिए, यहाँ पे एक एक करके किसाब से पूछिए तो कोई पीके राय का, कोई बीबीएम की यूनिवर्सिटी का, कोई आरएसपी का, कोई गोविंदपुर का, कोई बलियापुर का, कोई राजगंज डिग्री कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड मांगिएगा तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए तैयार है। एक भी स्टूडेंट छोड़ के कोई नहीं है। हम स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट है, आप सबसे मांगिए आइडेंटिटी कार्ड। और कल भी बंदी में आप सबको बोलिए, हम सबसे निवेदन करते हैं, आप कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लेके आए, आप प्रमाणित कीजिए कि छात्र आए, जो बाहरी आएंगे उसको हम भगाने का काम करेंगे। हमारी सीधा सीधा लड़ाई सरकार से, सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हम लोग के नियोजन के लिए लड़ाई और नौकरी के लड़ाई। हम सभी छात्रों से बोलेंगे अपने साथ या फिर मोबाइल में आइडेंटिटी कार्ड का फोटो लाइए या साथ में लाइए और दिखाइए कि हम छात्र हैं, या पीके राय के, या आरएसपी के, या बीबीएमक्यू के यूनिवर्सिटी के, सब छात्र आए। आप देख सकते हैं एक साइज के सब 20 से 22 साल 23 साल के छात्र है, कोई आपको 35 साल का नजर नहीं आया तो फिर कौन छात्र नहीं है? हम दिखाएंगे आइडेंटिटी, हम बीबीएमक्यू के थर्ड सेमेस्टर के छात्र हुए, सब छात्र है, तो बाहरी है कहाँ से नजर आ रहा? सरकार का कहना है कि बाहरी है, छात्र नहीं है, ये लोग नौटंकी करा, हाँ पार्टी के एजेंट है, वो सब गलत बात है। हेमंत सोरेन का सब जो वादा था कि 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार दीजिए और स्थानीय नीति के आधार पर दीजिए। जी, जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, लहूलुहान किया गया, घसीटते हुए हिरासत में लिया गया, उसकी हम निंदा करते हैं। लोकतांत्रिक देश में ये सब होना नहीं चाहिए। और सरकार को बोलते हैं कि छात्रों पर यदि आप लाठीचार्ज हो रहा है तो आप सरकार में बने रहने का हक नहीं है, आप ईमानदारी के साथ आए। हेमंत सोरेन को तो आगे आना चाहिए था, घायल छात्रों से मिलना चाहिए था कि बाबू गलती है गलो, हमें रोजगार देवो, तो नियोजन देवो। अभी हेमंत सोरेन को प्रेस वार्ता करने में कह रहा है कल हम लोग स्थगित कर देंगे, धनबाद में बंद हो जाए। कल हम लोग धनबाद में हेमंत सोरेन आज प्रेस वार्ता करके बोल दे कि धनबाद के छात्रों के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए रोजगार निकलने वाला है, नियोजन नीति अगले कैबिनेट में पारित होने वाली है, तो हम लोग इसको स्थगित करने का काम करेंगे। रकम सरकार, मुख्य सचिव और माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री खुद दूर दूर हट रहे हैं। प्रेस वार्ता में कल जब प्रेस के साथियों ने पूछा इस बारे में तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। हेमंत सोरेन को आगे आना चाहिए, हमें मतलब है हेमंत सोरेन। मीडिया में चर्चा था कि झारखंड में झारखंड को बहरमी से पीटा गया, एकदम इस तरह का संघर्ष होता था विनोद बाबू के टाइम में, शहीद शक्तिनाथ महतो के टाइम में, सुनील महतो के टाइम में, जिस तरह का बिहार राज्य में पीटा जाता था झारखंडियों को, वही आज 23 साल 25 साल 30 साल बाद देखने को मिला। तो आखिर झारखंड किस चीज़ के लिए, और झारखंड बनने का मतलब क्या? झारखंड का सपना था कि सुंदर झारखंड, बृहद झारखंड और खुशहाल झारखंड होना चाहिए, हर हाथ में रोजगार होना चाहिए। रकम यहाँ हर हाथ का हाथ में बेरोजगारी है, पढ़ लिख के बच्चे आज तरस रहे रोजगार के लिए, नियोजन के लिए। क्या मांगे? मांगे के है तीन प्रमुख मांगे, 60-40 नीति ना चलतो, झारखंड में बहाली निकालिए, खतियान आधारित निकालिए, और अब जिस वादा के साथ सरकार बनाए हैं कि आप 10 लाख 5 लाख रोजगार दे रहे हैं तो रोजगार कीजिए, काल ने आपके पास टाइम नहीं बचा है, 1.5 से 2 साल के बीच आपका सरकार है, इस बीच में यदि कर बैठे तो बढ़िया बात हो, ना तो तोरो हाल रघुवर धर के हाल के रूप में। तो सभी से अनुरोध करें हैं कि कहते भी एक बार हो तो एक सबसे अनुरोध करें कि ऑटो चालक, सब्जी वाला, सब
कल बंदी कर काम कर और बेटा और बेटी के भविष्य खातिर आगू आ और झारखंड के बचाए काम कर। इतने का हेमंत सोरेन आगे आए और प्रेस वार्ता करके बोले कि सब छात्रों को हम बोलना चाह रहे हैं कि रोजगार मिलतो 60-40 नहीं मिलतो तो हम ये कल आंदोलन स्थगित करने का काम कर। काहे लाएगा इतना दूर दूर से बच्चा पैदल आए 2 किलोमीटर चले काहे चला इतना दूर दूर से तेल भरा के काहे ला। इतना कहना है कि झारखंड को बचाना है, सुंदर झारखंड बनाना है। जय झारखंड।